कैसे हैं आप लोग? सारे आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं लेने जा रही हूँ थोड़ा इंग्लिश की क्लास है ताकि मैं थोड़ा ब्लॉग में इंग्लिश बोलूँ। अच्छा, बात यह है कि मोहम्मद सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये भी आए हैं और हमारे यहाँ चली जाती है गैस, ठीक है। तो मैंने आज व्लॉग बनाने वाला कोई नहीं था, अब मैं पकाऊं कि व्लॉग बनाऊं, तो आज मैंने मोहम्मद सुभान के लिए बनाया है आलू चीज पराठा। अब वो सुभान आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये आलू चीज पराठा बनाया है ये। अब ये थोड़ा टाइम हो गया ना, तो देखें ये देखें टाइम हो गया ना, मसला ये हो गया, वरना गरम गरम खाते ना तो चीज नजर आती इसमें। अब वैसे काटा वाटा मैंने सब वैसे ही है, चाय पानी जैसा, ये देखें ठीक है ना, मगर ये चीज डाली थी मैंने, अब वो पिघल गई भाई सारी चीज, हम क्या कर सकते हैं, तो ये इसलिए। अच्छा, आज आपसे करेंगे थोड़ी सी अहम बात। मैं भी इस वक्त नमाज पे हूँ, नमाज पढ़ रही थी मैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ, मेरी अभी थोड़ी सी नमाज बाकी है, इशा की नमाज में पढ़ रही हूँ, फिर आप लोगों से करते हैं सुबह खाना खा ले, मैं नमाज पढ़ लूँ, तो फिर करते हैं थोड़ा सा है ना आप लोगों से बात। मैंने कहा नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मैं फिर कोई खास बात कर दी है आप लोगों को खास मुद्दे पे। हाँ, कुछ धोखेबाजी चल रही है तो उस बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी 5-6 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। मेरी नमाज हो गई है मगर थोड़ी सी बाकी है, चलें जब तक के लिए। तो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने ये कहा था कि मैं आपसे कुछ बातें करूँगी, तो ये प्रमोशन के लिए जो है ना वो इतना मत जान दें कि हम बिल्कुल ज़मीन से उठ के आसमान पे जाके लग जाएं, ये कोई बात अच्छी नहीं होती है। अभी ये पंजाब साइड में इस कदर फ्रॉड चल रहा है, इस कदर फ्रॉड चल रहा है कि जो यूट्यूबर बड़े हो गए ना वो पैसे खा रहे हैं, बाकायदा सबूत के साथ वीडियो डालिए। तो ये एक साहब हैं, इनका है शूट बाय जॉनी, और इन्होंने लिखा है कि फेमस ब्लॉगर फ्रॉड, ठीक है, ये इन्होंने ये लिखा है। तो ये एक साहब हैं, फ्रोज करके है इनका, पाक विलेज करके इनका, पाक विलेज फूड के नाम से है इनका, फ्रोज साहब है ये इन्होंने, आप है ना जाके शूट बाय जॉनी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा उनसे मांगा। वो बेचारे ने इजी पैसा भी किया, उसने सारी अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह इसमें डाली है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया और ये हो गया, मगर इसने प्रमोशन नहीं दिया। इसने कहा कि मैं अपने बीवी वाले ब्लॉग में नहीं डालूंगा, और मैं डालूंगा तो मैं अपने वाले ब्लॉग में डालूंगा। उसने कहा भाई वो वाले ब्लॉग में डालो जो सारी दुनिया देख रही है, ज्यादा चल रहा है, सब्सक्राइबर भी इनके हैं, मगर इन्होंने ना उसमें नहीं डाला। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला, और प्रमोशन के नाम पे फ्रॉड कर रहे थे ये फ्रोज साहब। अच्छा, ये दूसरा यूट्यूबर था, थोड़ा छोटा था, मतलब अभी उसके इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, उसको भी हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, उसने भी सारा आवाज के साथ डाला, उसका है लाइव विद तलाल, ठीक है, लाइव विद तलाल को आप सर्च करके देखिएगा, तो उसने सारा अपना फ्रॉड लिखा है। उससे ये 50,000 मांग रहा था, वो 30,000 देने पर राजी हुआ, फिर उसने कहा मैं 20,000 अभी तुम्हें दे देता हूँ, 10,000 में थोड़ा जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा जब मैं दे दूंगा, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, मगर इसने नहीं माना। इसकी सारी आवाज सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग पता नहीं इतने क्यों मतलब उतावले हो रहे हैं कि हम जल्दी से आसमान को छू लें, ऐसा ऐसा ही जितना ठंडा करके खाएंगे उतना पुरसुकून रहेंगे, जितना गरम गरम खाएंगे सब जबान जल जाएगी, सीना जल जाएगा, नुकसान होंगे। यही कह रही थी कि ना थोड़ा सा इंसान अगर सबर के साथ काम करे ना तो अल्लाह ताला बहुत उसमें सिला है, अल्लाह ने सिला रखा है एकदम, है ना, इतना उछलने और कूदने की जरूरत नहीं कि हम रातों रात वो हो जाए। अब ये लाइव विद तलाल है, मैं इनसे भी कहना यही चाहूंगी कि अच्छा प्यारा सा बच्चा है, तो उसने भी अब मतलब वो परेशान बहुत हो रहा था, उसने पूरी वीडियो डाली है इसके फ्रॉड की, फ्रोज की, पाक विलेज फूड के नाम से इनका। और लोगों को भी सोचना चाहिए, आप मुसलमान कुछ कहना चाह रहे हैं, लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो आप बात कर रही थी उस दिन कि ऑडियंस हमेशा अपने टैलेंट के दम से कमाई जाती है, ऑडियंस कभी भी खरीदी थोड़ी जाती है, वो खरीदने के पैसे देने के प्रमोशन करवा रहे व्यूअर्स जो है ना वो खुद ही बढ़ते हैं, खुद ही चलते हैं। आप में टैलेंट होगा बढ़ेंगे, नहीं होगा नहीं बढ़ेंगे, बात खत्म। जो एक यूट्यूबर से जो आप अपना काम चलवाना चाह रहे हैं
वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है ना, तो आप लोग उसको पैसे दे के उसको इतना बड़ा आप लोगों ने बना दिया कि 20,000, 30,000, 50,000 देने को तैयार है कि हम रातों रात हमारे पास शीट आ जाए यूट्यूब की। यूट्यूब से ज्यादा इनकम तो आप लोग दे रहे हो, आप लोग उनको दे रहे तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इस बात का ख्याल करें। मतलब वही कहने की बात है, नक्कालों से चोरों से होशियार रहें। और ये मैंने आपको बताया इनका, ये मैंने सब देखा है, तो मैं यही रात को सर्च कर रही थी तो मैंने कहा सुभान आज इस पे बनाएंगे हम वीडियो। ये बहुत जोरों शोर से, अच्छा ये बड़ी बात है मजे की, पंजाब साइड में ये फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, कराची में थोड़ा कम, हैदराबाद में शायद बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि यूट्यूबर भी हैदराबाद में कोई बड़े नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपकी दुआओं से लाइव अब नुसरत बड़ी हो जाए, आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह। तो मगर कराची में भी है मगर इतना नहीं चल रहा है, कराची में भी लोग प्रमोशन के लिए पैसे ले रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं कि हमें बस रातों रात आप ऊंचा कर दें, रातों रात हमारा महल तैयार करा दें छोटे। तो मैं कहना चाहूंगी कि दूसरे का बंगला देख के अपनी झुग्गी कभी मत जलाइएगा वरना उससे भी चले जाएंगे आप। अल्लाह ताला ने हक में सच्चाई में बहुत अच्छा कुछ रखा है, सिला रखा है हर चीज का। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? मैं बस यही करूंगा, कहूंगा कि मेहनत करते रहो। हाँ। सिला देने वाली जात अल्लाह ताला की है। बिल्कुल। पैसे दे के और इस तरह से इंसानों पे भरोसा करके अगर प्रमोशन चाहिए या इंसानों से अगर सिले की उम्मीद रखनी है तो अल्लाह माफ करे, इंसानों से तो सिला कभी मत रखना। हाँ। कभी नहीं रखना, अल्लाह की जात है बस, अल्लाह की जात है बस, भरोसा रखो और हाँ। अपना काम करते रहो। इंसान सिला दे ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंसान तो ऐसे बना बैठा है खाने को नोचने को, मुनाफा बहुत ज्यादा। तो अपने अल्लाह से लो लगाएं, अपने अल्लाह से बोले, मेहनत की करें आप। मेहनत इंसान की कभी भी रायगा नहीं जाती है, ये मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है माशाल्लाह से कि मेहनत रायगा नहीं जाती है। बस अल्लाह ताला हमें यही समझने की सलाहियत अता करे। और ये तलाल के और जॉनी के इतने इतने पैसे चले गए, आप इनको सर्च करके देखिएगा। बड़े उदास हो रहे थे मगर वो लोग यही कह रहे थे, तो मैंने बड़ी उनकी गौर से वीडियो देखी थी तो मैंने कहा आज हम भी इस पर वीडियो बनाते हैं कि लाहौर में पंजाब साइड में बड़े पैमाने पर है ना चल रहा है फ्रॉड। हाँ वही पंजाब साइड में, बाबा भी कुछ कहना चाह रहे हैं सुभान के मुल्तान, मुल्तान में। हाँ। ये मुल्तान का है, ये कह रहे हैं कि ये मतलब हमें क्या करना मुल्तान का, काम है बस लोगों को आगाहित करना, हमें क्या करना है। मगर आप अपने आप को संभालिए, रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करें। हर काम अल्लाह ताला ने वक्त के लिए रखा है, वक्त मुकर्रर है हर काम का, और इंशाल्लाह ताला फिर सब हो जाए। अब मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। तस्बीह ले ले पढ़ते रहे अल्लाह के नाम की तस्बीह, बहुत सारे अल्लाह के इसमें आजम है और अल्लाह के पाक नाम है, उनसे आप फायदा उठाएं। इतना मैं कहती हूँ अल्लाह के नामों को एक को चुन ले आप और उसका विट करें, आप देखें कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला आपको पहुंचाएगा। अल्लाह से वसीला मांगे, ठीक है ना। और बताएं आप लोग कैसे हैं? अब इंशाल्लाह ताला हमारे घर की खुशी यहाँ से यहाँ आ गई है, बस इतना सा वक्त रह गया आने में। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला नाजो साथ खैरत के फारिग हो, इंशाल्लाह ताला वो भी खुशखबरी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ वो भी हम खुशखबरी शेयर करेंगे। और आज जो था हैदराबाद में गर्म तरीन दिन था, और अभी मई का स्टार्ट है और इतना गर्मी जी 45 का हुई माँ, आज 45 था। आज असल में यो टंकी का पानी भी वही बहुत गर्म था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बुरी नजर वालों से अल्लाह मियां बचा के रखे, हसा हासिद से बचा के रखे, मेरा घर बहुत ठंडा पुरसुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही कहूंगी कि ना मत जाए लोगों की तरफ, लोग कुछ नहीं देंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद लगाए जैसे मैंने लगाई हुई है। और अल्लाह ताला सबर के बाद सिला जरूर है। और क्या कहना चाहेंगे मामा सुन, आप क्या बोलेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने दिखा दी ना अपनी शर्ट तो लोग कहेंगे कि ये वही शर्ट पहना हुआ है जो पिछले ब्लॉग में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मसला ये है कि ये जब छोड़ के ये शर्ट जाता है ना तो मैं रोज इसकी शर्ट धो देती हूँ, क्योंकि ये कहता है गर्मी है ना तो ये सुकून देता है, तो बाजू नंगे इसको अच्छे लगते हैं। हाँ
तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, फिर जो आपका बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, और फिर जो आपका दिल चाहे वो कीजिए, आपकी मर्जी है। और आजकल नेमी जरा सी हल्की फुल्की बुखार में चल रही है, नज़ला जुकाम में चल रही है, थोड़ा उसके लिए दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला हमारे घरों की खुशियां बरकरार रखे, आप लोगों को खुशियां दे, हमारे घर की खुशियां बरकरार रखे। और आलू चीज पराठा आज सुभान के लिए बनाया, सुभान बताएंगे सुभान कैसा था बेटा? यार एक नंबर माशाल्लाह, जायके शक्ल तो लोगों ने देखी होगी। 350-400 रुपए का यहाँ मिर्ची 360 से चाय पानी से खाते, तो मैंने कहा सुभान मैं बनाऊंगी, तो मैंने तीसरी बार इसको बना के खिलाया, तो ये माशाल्लाह बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी, देखें कल या परसों जैसे जैसे मम्मा सुभान को टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ बनाता है। और बाकी फिर दुआ में याद रखिएगा फजल को, मुझे, मेरी फैमिली को, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।